हेलो दोस्तों, मैं हूं मंजरी और टेस्ट द फ्लेवर में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे सबके फेवरेट बेसन के लड्डू की रेसिपी। कुछ लोगों को इस लड्डू को बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो आज इस वीडियो को हम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में देखेंगे। कुछ सिंपल और छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगी, जिससे अगर आप पहली बार भी इस लड्डू को बनाने जा रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट दानेदार और हलवाई स्टाइल लड्डू बनकर रेडी होंगे। तो रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इसके लिए हम 2 कप बेसन लेंगे। अगर आप ग्राम में देखेंगे तो ये 250 ग्राम बेसन है। कोशिश करिएगा मोटा वाला बेसन लें, जिससे लड्डू ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो कोई भी एक कटोरी ले लीजिए और उसी से नाप कर हर चीज़ का इस्तेमाल करिए। उसके बाद 2 कप हम शक्कर का बूरा लेंगे, जिसे हम तगार बोलते हैं। ग्राम में ये 250 ग्राम है। 1 कप पिघला हुआ घी लेंगे, या 250 ग्राम हमें घी लेना है। घी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी हो सकती है, बेसन पे डिपेंड करता है घी की क्वांटिटी कितनी लगेगी। तो लड्डू बनाते समय मैं आपको इसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी बता दूंगी, तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। उसके बाद 1 बड़ा चम्मच हम इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। गैस की धीमी आँच में एक कढ़ाई को रखेंगे और उसमें 150 ग्राम घी ऐड कर देंगे। गैस की आंच को दोस्तों हमें इसमें धीमा ही रखना है। घी के हल्के से गर्म हो जाने के बाद इसमें बेसन ऐड कर देंगे और इसे एक चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर देंगे। बेसन को मिक्स करते समय आपको ध्यान इस बात का रखना है, अगर इसमें कोई भी गांठें या लम्स बन रही है तो उसे आप फोड़ते चलिए या इसे ख़त्म करते चलिए, क्योंकि अगर इसमें एक बार गांठें बन गई तो वो बाद में ख़त्म नहीं होंगी और जो भी गांठें बनेंगी वहीं पर बेसन कच्चा रह जाएगा, जो लड्डू खाते समय बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं देगा। तो हमें ध्यान इस बात का रखना है इसमें बिल्कुल भी गांठें या लम्स ना बने। और एक साथ पूरा घी इसमें हमें ऐड नहीं करना है। घी के साथ बेसन को मिक्स करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि अगर बेसन सूखा लग रहा है तो ही हम घी की और क्वांटिटी ऐड करेंगे। तो पहले बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद बेसन अभी मुझे थोड़ा सा सूखा लग रहा है, तो 50 ग्राम घी मैं इसमें और ऐड करूंगी। उसके बाद फिर से हम बेसन को मिक्स करके देखेंगे, अगर घी की ज़रूरत लगेगी तो थोड़ा सा घी हम और ऐड कर लेंगे। तो बेसन और घी को मिक्स करने के बाद अब हमें घी की ज़रूरत नहीं लग रही है, तो हमने 250 ग्राम घी लिया था जिसमें से 200 ग्राम घी का इस्तेमाल हुआ है, अब 50 ग्राम घी बच गया है। हो सकता है दोस्तों कि आप अगर लड्डू बनाएं तो उसमें 250 ग्राम घी लग जाए या उससे ज़्यादा भी लग जाए, तो ये बेसन पे डिपेंड करता है। घी ऐड करने के बाद कुछ इस तरीके से हमें बेसन की कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, तो इसे लगातार हम चलाते हुए भून लेंगे और लगभग 3 मिनट बाद आप देखेंगे तो बेसन में इस तरीके के बबल्स या बुलबुले दिखने लगेंगे और ये हल्का हल्का फूलने भी लगता है। इसका मतलब बेसन पकना शुरू हो गया है, उसमें भुनने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है और इस कंडीशन में हमें इसे चलाना बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। तो इसे तब तक भूनना है जब तक कि इसका कलर डार्क ना हो जाए और इसमें से अच्छे से खुशबू ना आने लगे। गैस की धीमी आंच में भूनेंगे तो बेसन एक जैसा और अच्छे तरीके से पक जाएगा। अगर आंच तेज रखेंगे तो बेसन कच्चा रह जाएगा और यह हो सकता है बहुत जल्दी जल भी जाए। तो आप 10 से 12 मिनट बाद ही देखेंगे कि बेसन का कलर डार्क हो गया है, ये बहुत अच्छे तरीके से भुन गया और इसमें से अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। इस स्टेज में हम हलवाई की एक टिप्स फॉलो करेंगे। इसमें हमें मारना है कुछ पानी के छींटे और पानी के छींटे डालते ही आप देखेंगे बेसन में बहुत सारा झाग बनने लगता है और एकदम से उफन कर ये ऊपर आता है। तो इस समय डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, बेसन हमारा बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। पर हाँ, आपको ध्यान इस बात का रखना है कि बेसन जब अच्छे से भुन जाए तो ही आपको पानी के छींटे मारने हैं। कंटिन्यू इसे 2 से 2.5 मिनट तक चलाते रहना है और धीमी आँच में जब आप इसे 2 से 2.5 मिनट तक चलाते रहेंगे तो बेसन वापस से नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, इसका झाग पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। पानी के छींटे से इसमें बहुत ही बढ़िया से दाने बनते हैं। तो बेसन पक चुका है, अब हम इसे एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे जिससे ये जल्दी से ठंडा हो जाए। बेसन को जब आप चलाएंगे तो आपको इसमें बिल्कुल दाने महसूस नहीं होंगे, जब आप लड्डू खाएंगे ना तो आप फील करेंगे कि इसमें कितने बढ़िया से दाने बन चुके हैं। तो इस बैटर को अब हमें ठंडा करना है, उतना ही ठंडा करना है जितना कि हम इसे हाथ से छू पाएँ। तो कुछ टाइम के बाद इसे आप एक उंगली से छू कर देखिए, अगर आपको ये हल्का सा गर्म लगे, आपका हाथ इस गर्माहट को सह पाए, बिल्कुल आप इसे छू पा रहे हो, उसी कंडीशन में हमें इसमें तगार या भूरा को मिला देना है। ध्यान रखें दोस्तों, शक्कर के भूरे या तगार को हमें बेसन को बिल्कुल ठंडा करके नहीं मिलाना है या एकदम गर्म में नहीं मिलाना है। एकदम गर्म अगर बेसन में आप इसे मिक्स कर देंगे तो शक्कर पिघल जाएगी और लड्डू तो बंध जाएंगे
कुछ समय के बाद, पर जब शक्कर जमेगी ना तो ये एकदम टाइट हो जाएंगे। तो हल्का गुनगुना रह जाए हमारा बेसन का मिक्सचर, तभी आप इसमें शक्कर के बूरे को मिक्स कर दें। साथ ही साथ इलायची पाउडर भी डाल दें, उसके बाद अच्छे से मिक्स कर दें। कुछ लोग दोस्तों बेसन के लड्डू में ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं, तो अगर आप इसमें काजू, बादाम, किशमिश या पिस्ता ऐड कर रहे हैं तो उसे घी में थोड़ा सा भून लें। इससे होगा क्या, ड्राई फ्रूट्स में जो थोड़ी बहुत नमी होगी वो भूनने से ख़त्म हो जाएगी, जिससे लड्डुओं को आप बहुत दिनों तक स्टोर कर पाएंगे। पर मेरे घर में इसे इलायची के टेस्ट के साथ ही पसंद किया जाता है, इसलिए मैं इसे सिंपल बना रही हूँ। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों लड्डू बनाने के लिए जो भी मैंने आप सभी के साथ टिप्स और ट्रिक्स फॉलो किए हैं वो छोटी ज़रूर हैं पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स को ही अवॉइड करने से हमारे लड्डू ख़राब हो जाते हैं। तो सिंपल से इन बातों का अगर आप ध्यान रख के लड्डू बनाएंगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और हलवाई से भी अच्छे लड्डू बनेंगे। उसके बाद हम इसमें मीडियम साइज़ के या एक छोटे नींबू के साइज़ के लड्डू बांध लेंगे। आप इसे अपनी पसंद के हिसाब से बड़े या छोटे रख सकते हैं। दोस्तों घर में अगर आप बेसन के लड्डू बनाएंगे तो इसमें हम मिलाते हैं देसी घी और बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से बनाते हैं, जिससे इसका स्वाद मार्केट से भी बढ़िया आता है। तो एक बार मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके आप लड्डू ज़रूर बनाइए, बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और आपको आज का ये वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस मिक्सचर से हम पूरे लड्डू बनाकर रेडी कर लेंगे। और दोस्तों अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दूसरों के साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमारे जैसे बहुत से लोग हैं जिन्हें बेसन के लड्डू बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बने बेल बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो बढ़िया से दानेदार और टेस्टी लड्डू बनकर हमारे रेडी हो चुके हैं। और ये लड्डू तो दोस्तों हलवाई से भी बढ़िया लड्डू हैं, देखने में बिल्कुल परफेक्ट कलर आए। आप जानते हैं मार्केट के लड्डू में पीला कलर ऐड कर दिया जाता है, पर आज के इस वीडियो में हमने कोई कलर ऐड नहीं किया तो भी लड्डू परफेक्ट बने हैं। तो इसे ट्राई ज़रूर करिएगा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर।